पानी के बिना इस संसार में मानव जीवन ही नहीं बल्कि जीव जंतु पेड़ पौधे किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन बावजूद इसके मनुष्य पानी को बचाने के बजाय उसे बर्बाद ज्यादा कर रहा है, जिसके कारण पृथ्वी पर पानी के अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है। जिसको देखते हुए CISF की टीम के द्वारा जनशक्ति अभियान के नाम से एक मुहिम को शुरू किया गया, जिसमें टीम के द्वारा शहर के तमाम स्कूलों में जाकर व सड़कों पर रैलियां निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी कड़ी में शनिवार को CISF की टीम के द्वारा धांधुपुरा स्थित भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल में भी जनशक्ति अभियान कैंप लगाया गया, जहां टीम के द्वारा बच्चों को पानी के फायदे व उसे बर्बाद करने पर होने वाले नुकसानों के बारे में बताया गया। इस मौके पर समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा और कैंप की विस्तार से जानकारी। मैं शैलेंद्र जोसेफ, भारतीय वाल्यजन में प्रबंधक। आज भारतीय वाल्यजन के प्रांगण में CISF की टीम के द्वारा जल शक्ति अभियान का प्रोग्राम किया गया था, जिसके अंदर स्कूल के बच्चों को सेव द वाटर बारे में बताया गया था। इसमें बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, रूम बाथरूम जाते हैं, टैप खुला छोड़ते हैं, पानी वेस्टेज होता है। मेन उनका टारगेट ये था कि जिस तरह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है उसको कैसे सेव करा जाए, तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया, सेव द वाटर के बारे में कैसे कैसे आप सुबह नहाते हैं, पूरे दिन कैसे अपने घर में पानी को सेव करना चाहिए, पानी पीते समय आधा ग्लास पीते हैं आधा ग्लास फेंक देते हैं वो पूरी चीज़ से होनी चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि बच्चे समझ सकें और जागरूक हो सकें उस चीज़ों ने फोकस किया था। मैं यही कहना चाहता हूँ, हर चीज़ स्टार्ट छोटों से होती है। बच्चे ही धीरे धीरे बड़ों को टोकते हैं तो बड़ों को शर्म महसूस होती है, तो बड़े उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, एडोप्ट करते हैं, धीरे धीरे उसको रिजॉल्व करते हैं। तो यही है कि बच्चों ने आज करा है, घर पे आके पापा को भी टोकेंगे, मम्मी को भी टोकेंगे, देखो मम्मी पानी वेस्ट मत करो, पानी नीचे हो रहा है, तो पेरेंट्स भी सोचेंगे। तो उस चीज़ को फोकस करते हुए उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को बच्चों को गाइड करा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ताजमहल के बाद अपने भारतीय वाल्यजन को चुना, और वो धीरे धीरे और भी स्कूलों को चुनेंगे, लेकिन फर्स्ट आज भारतीय वाल्यजन में कैंप लगाया गया था, आगे भी कैंप लगाए जाएंगे। जैसे जैसे बारिश का पानी हर घर में पाइप लगे होते हैं, तो जहाँ से पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर, जैसे यूट्यूब पर कई वीडियोज़ पड़ी हैं कि आप ड्रम के थ्रू नीचे गाड़ दें और वो पानी नीचे चला जाएगा, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, हर बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट अलग अलग लगाया जाता है, जिससे कि पानी असर बढ़ता रहता है। हम भी एक नई बिल्डिंग का कर रहे हैं, उसमें ये पूरा प्लान आउट चार्ट बनाया गया कि जो पानी निकले और पानी बारिश का पानी है वो पानी धरती में ही दोबारा जाए और सेव हो। मेरा नाम किरणा है और ये बताया कि जो है पानी सेव करना चाहिए ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए काम आए, और हमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं समझाऊंगी कि हमें पानी कम से कम खर्च करना चाहिए और जितनी ज़रूरत है उतना उतना यूज़ करना चाहिए। आपको बता दें कि जल ही जीवन है जैसे स्लोगन लोगों को याद तो होते हैं, लेकिन उस बात पर अमल कोई नहीं करता। CISF की टीम के द्वारा किए जा रही इस सराहनीय पहल को हर तरफ से तारीफें मिल रही हैं, लेकिन उसे साकार करने के लिए हम लोगों को ही शुरुआत करनी होगी। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमारे हाथों में है कि हम उसे कितना जल देते हैं। अर्थ न्यूज के लिए अधिराज सिंह की रिपोर्ट। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पराम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, प्ले ग्रुप से 8 क्लास सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां CCTV कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा, इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा, प्रवेश प्रारंभ। आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।